तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में फैट फंडे का आयोजन किया गया। फैट का उद्घाटन टिमिट के निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन एवं अध्यापक गणों द्वारा किया गया। फंडे में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए। फूड स्टॉल में विद्यार्थियों ने भांति भांति स्टॉल लगाए। गेम्स स्टॉल में रिंग मैन, सेल्फी पॉइंट आदि स्टॉल लगाए गए। फैट में सभी स्टॉल अत्यधिक आकर्षक दिख रहे थे। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए खेल बहुत लुभावने थे। इसके साथ साथ टिमिट के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए डांस, गायन इत्यादि के द्वारा सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने अलग अलग तरह के स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रोफेसर विपिन जैन ने कहा कि इस फैट का उद्देश्य छात्र छात्राओं को प्रबंधन एवं उद्यमिता के गुण सिखाना है और उनकी क्षमता को व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित करना था। फैट फंडे में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं विद्यार्थियों ने खूब आनंद लिया। विद्यार्थियों ने फैट के द्वारा सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर जैन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को बेहतर मैनेजमेंट का गुण सिखाते हैं। अंत में प्रोफेसर विपिन जैन ने फैट में आए आयोजकों, जिसमें मुख्य रूप से हेयर मास्टर, कैकॉन इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी आदि का हार्दिक धन्यवाद किया। आज टिमिट के जो दो महाविद्यालय हैं, कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ व तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में फंडे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया है और एक मेले का रूप दिया है, जिसमें बच्चों ने अपनी स्टॉल्स लगाई है और साथ में ही डीजे लगाया, जिसमें बच्चे आज पूरे दिन मनोरंजन और मस्ती के मूड में रहेंगे, क्योंकि आज हमारे सेमेस्टर का आखिरी डे है और आने वाले वीक से हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो जो 1.5 साल का कोविड वातावरण रहा, उससे बच्चों को बाँटने का तरीका है और ये हर साल हम मनाते आए हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों में हमने इस तरीके का आयोजन नहीं किया कोविड के मद्देनज़र रखते हुए। और अभी छात्र छात्राओं में बड़ा उत्साह का माहौल है और आने वाले महीने में जब इनकी परीक्षाएँ होंगी तो ये जो भी टेंशन है उससे वो मुक्त रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और परीक्षाएं दे पाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए हमारे माननीय कुलाधिपति श्री सुरेश जैन साहब का, गुरु वाइस चेयरमैन श्री मनीष जी का और बोर्ड ऑफ मेंबर श्री अक्षय जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहाँ हम इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं।